ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 982736। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन हर तरह के प्रयास कर रहा है, जैसे सुरक्षा के लिए बाहर से आए हुए लोगों को घरों के बाहर रोककर स्थानीय स्कूलों में क्वारंटाइन कर रहा है। लेकिन जरूरत है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं और बाहर से आए हुए लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन करने के कहा जा रहा है। इंदौर और महाराष्ट्र मामलों में देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन की माने तो जो 20 मार्च से लौट कर घर पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को स्कूल में क्वारंटाइन कर विशेष निगरानी रखी जाना है। लेकिन यहां तो लोग 20 अप्रैल और 23 अप्रैल को इंदौर से मुंबई से आए हैं, जबकि प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य विभाग, सचिव, पटवारी और शिक्षक की जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी अनदेखी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया, जब इंदौर से घर पहुंचे युवक खुलेआम सड़कों बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं और सब्जियां भी खरीद रहे हैं, लेकिन यहां के जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। और जब ऐसे लोगों के घर रोजगार सहायक, सचिव पर्चा लगाने पहुंचे तो परिजनों ने उसे फाड़ दिया। जब दूसरा पर्चा लगाकर फाड़ने से मना किया तो रोजगार सहायक सचिव को परिजन गाली गलौज कर उतर आए और मोहल्ला निवासियों ने भी गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब पड़ोसियों ने गालियां देना से मना किया तो मानने पर उतारू होगा, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने पुलिस चौकी में की। ग्रामीणों ने मांग की कि इंदौर मुंबई से आए लोगों को शीघ्र ही स्कूल में रखा जाए, क्योंकि बाद में सुरक्षा को लेकर लोगों से वाद विवाद बन रहे हैं। भाई सचिव से बात करना चाहा तो कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घरों में क्वारंटाइन लोगों के बारे में जब राहतगढ़ SDOP से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इंदौर महाराष्ट्र से आए लोगों को समझाइश दी गई है और आगे से कोई ऐसा मामला सामने आता है तो क्वारंटाइन लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं, पर्चे फाड़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? ऐसी शिकायत पुलिस को कल मिली थी, पुलिस वहाँ गई थी, घूमते तो कोई नहीं मिला था और एक व्यक्ति का पर्चा ऊपर नहीं लगा था। उससे पूछा कि भाई पर्चा क्या हुआ, तो बोले गिर गया था और उठा के उसको तक जो है लगा लिया। और बोले कि जो निर्देश है शासन का उसका पालन करेंगे, उसको सख्त हिदायत दिया गया कि कहीं घूमना नहीं है, क्वारंटीन में हो तो अपने 14 दिन का जो प्रशासन द्वारा बताया गया है, अस्पताल अमला द्वारा, उसका पालन करें। और भी अगर ऐसे मामले आते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर ऐसे मामले आते हैं, अगर कोई मानता नहीं है, नियमों का उल्लंघन करता है, 188 की कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सचिव को मैडम आई, पर्ची फटी थी, उन्होंने देखा पर्ची फटी है तो उन्होंने लगाई दूसरी, बोला कि भाई यहाँ स्कूल से नहीं बोलना, 6 महीने तक कोई सुना नहीं होगी, तो बोल पर्ची लगा के चले गए जी। फिर इसके बाद में दोनों आदमी ने गाली गुलास की, बोलते सीधे बात अलवर मोहल्ला के लिए करे। फिर इसके बाद में वो चले गए यहाँ से, फिर हमने पुलिस से भी शिकायत की। तो कहाँ कहाँ से आए हैं ये लोग सभी? जी जैसे इंदौर से भी आए और बम्बई से आए। तो कहाँ घूम रहे थे ये सब? जी रोड पर घूमते हैं, सब्जी लेने निकलते हैं और पानी भरने घुमाते हैं। क्या नाम है आपका? राधा राम यादव।